हेलो दोस्तों, मैंने उस दिन मी टीवी पर ए हॉरिजन एडिशन जो आपका 40 इंच है टीवी ऑर्डर किया था, तो ये लगभग आपका 3 दिन में आ गया। तो इसके लिए मैं फ्लिपकार्ट को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना जल्दी फास्ट डिलीवरी किया है इन्होंने इतना दूर लोकेशन में भी। तो ये टीवी का आपका रिफ्रेश रेट है 60, उसके बाद साउंड है आपका 20W, और ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है इसका। तो चलिए, ये है आपका टीवी जो मैं थोड़ी ही देर में डिस्क्रिप्शन कर लूँगा। तो चलिए, इसका क्या क्या साथ में है बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका दो स्टैंड लिया है जो कि आपका प्लास्टिक से बना हुआ है, तो थोड़ा प्रीमियम तो नहीं लगता है, फिर भी चल जाएगा, प्लास्टिक से बना हुआ है। यहाँ पे यूएसबी केबल तो दिया है, और ये स्टैंड को आपका फिक्स करने के लिए नट दिया है चार। तो ये आपका रिमोट भी साथ में आता है, रिमोट दिया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बैटरी, इन्होंने बैटरी साथ में नहीं दिया है। और ये रहे आपका मैनुअल, मैनुअल भी साथ में आता है। तो टीवी तो काफ़ी सुंदर है, इसका ख़ास बात यह है कि इसका बेजल काफ़ी बहुत थीन है, बेजल को बहुत पसंद लगा मुझे। साथ साथ में इसमें मी का लोगो दिया है जो कि सुंदर है, तो मैं इसको चला के देखूँगा, तब तो चला के आपको भी दिखा दूँगा। तो ये टीवी में आपका यूएसबी कनेक्शन के लिए दो पोर्ट दिया जाएगा, जिसमें आप हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ में दो HDMI कनेक्शन के लिए आपको मिल जाएगा, जिसमें आप लैपटॉप या गेम वगैरह यूज़ करने के लिए आप यूज़ कर सकता है। और यहाँ पे नेटवर्क के लिए दिया है आपका, ईयरफोन के लिए दिया है, ये तो बहुत अच्छा बात है, ईयरफोन के लिए दिया है। और यहाँ पे स्पीकर स्पीकर के लिए भी दिया है यहाँ में, और आप देख सकते हैं एंटेना वगैरह के लिए भी दिया है। तो पीछे मैं में इसको दिखाना चाहूँगा। तो टीवी जो पीछे से आपको ऐसा नज़र आ रहा है, ये तो काफ़ी सुंदर है। और मैं आपको टॉप व्यू भी दिखाना चाहूँगा, टॉप व्यू ऐसे दिखते हैं, ठीक ही लगा मुझे, तो उतना प्रॉब्लम तो नहीं है, बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो यूएसबी पोर्ट है, यहाँ पे दो आपका HDMI पोर्ट है, ये नीचे में आपका टीवी कनेक्शन वगैरह के लिए दिया गया है, ये इसको दिखाई नहीं देता है। और ये आपका पावर केबल है टीवी का। यहाँ पीछे में भी आपका मी का लोगो दिया गया है, ये काफ़ी बहुत अच्छा बात है। तो मैं इसको आप लोग को चला के दिखाऊंगा, इसका पिक्चर क्वालिटी वगैरह मैं आप लोग को दिखाऊंगा। टीवी ओवरऑल मेरे तरफ से तो बहुत सुंदर है। इसका ख़ास बात यह है कि बेजल बेजल काफ़ी बहुत थीन थीन है इसका बेजल। तो चलिए देखते हैं, इसको चला के मैं आप लोग को दिखा दूंगा। तो ये मैं ऑन करके देख रहा हूँ, यहाँ पे आपका नेटफ्लिक्स, यूट्यूब वगैरह सब कुछ है, आप देख सकते हैं, आप मूवीज वूवी भी देख पाएगा आराम से। तो आप देख सकते हैं मी फोर ए हॉरिजन एडिशन का पिक्चर क्वालिटी। तो पिक्चर क्वालिटी में मुझे लगा कि ये ठीक है, डिस्प्ले जो इसका डायरेक्ट LED है, तो IPS से थोड़ा बहुत बेहतर है, लेकिन भी जो QLED डिस्प्ले है उसके कंपेयर में थोड़ा प्रॉब्लम है। इवन देन अगर आप QLED डिस्प्ले नहीं दिखेगा तो ये आपके लिए काफ़ी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा सा हाँ, कलर जो कलर का रिक्वायरमेंट है थोड़ा सा प्रॉब्लम है, फिर भी चल जाएगा। तो मैं ये दूसरे चैनल में लगा के देखा हूँ, तो इसमें भी काफ़ी क्लियर है। तो एक कंडीशन है कि आपका सेटअप बॉक्स जो HD होना पड़ेगा, नहीं तो USD होना पड़ेगा, अगर नॉर्मल चैनल होने से प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों, ओवरऑल मुझे टीवी अच्छा ही लगा, तो मैं आउट ऑफ 5 से 4 स्टार दे दूंगा। साथ साथ में यहाँ में आपका ये है जो पावर सेविंग गाइड है, तो ये पावर कंजम्पशन में भी फिलहाल अच्छा है, लो पावर कंजम्पशन होगा इसका, बाकी टीवी का कंपेयर में। मैंने इसका कंपेरिजन बहुत देखा था फ्लिपकार्ट में, तो ये पावर कंजम्पशन में लो है। तो ठीक है, मैं अपना वीडियो यहाँ स्टॉप कर देता हूँ।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।